आपके फिफना विधानसभा में एक जेडीयू नेता है, वो भी एक प्रत्याशी हैं, आप ही के विधानसभा पर दावेदारी कर रहे हैं, उनके आपके नाम पे तंज कसा, उन्होंने कहा कि मंत्री उपेंद्र तिवारी जी उपेंद्र तिवारी नहीं उपद्रव तिवारी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उपेंद्र तिवारी क्या हैं, जिनका नाम ले रहे हैं वो क्या हैं, और फेफना विधानसभा के अंदर जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं और बलिया के अंदर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका व्यक्तित्व चरित्र और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी चाहत और उनका नेशन क्या है, और इसलिए जिनका नाम ले रहे हैं वो 2012 में अपने भाई को बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ाए थे, 2017 के चुनाव में भी उन्होंने विरोध किया था, टिकट मांग रहे थे नहीं मिला, 2019 के चुनाव में थोड़ा बहुत लगे लोकसभा का भी टिकट मांग रहे थे, उन्होंने कहा है कि जो चुनाव होगा उसका हम टिकट मांगेंगे, उनकी इतनी ही निष्ठा है कि भारतीय जनता पार्टी में आया जुम्मा नहीं हुआ, 2012 में खिलाफ में चुनाव लड़े, 2017 में आए तो टिकट मांगते हुए, 2022 में नहीं मिला तो बगावत होकर चले गए, तो जिसकी निष्ठा ही है, जिसका व्यक्तित्व और चरित्र ही है, और जिसका गांव के अंदर ही जनाधार नहीं, जिसका भाई खुद में साथ में ना हो, जिसका भाई खुद में साथ में ना हो, जिसके परिवार के लोग ना हो, जिसके गांव के ना हो, जिसके समाज के ना हो, अब उसकी भी चर्चा करें, ऐसे लोगों को क्या नसीहत दो, तो अपने आप में नसीहत दे रहे हैं, वो अपना व्यक्तित्व और चरित्र बताओ ना किस तरीके का, उस पर हम लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के इशारे पर, वहाँ के फाइनेंशियल के, वहाँ के फाइनेंस के आधार पर लड़ रहे हैं, उनके एजेंट के रूप में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा उनका वो करेंगे तो हाथा में जाकर के लोग लड़ते हैं, उनका अपना कुछ नहीं, ये हमारे सपा के लोगों का मैनेजमेंट तरीके के, जितने लोग लड़ रहे हैं वही हैं,